गुड मॉर्निंग गाइस। और सुबह से बारिश हो रही है यार, कम से कम भी 3-4 घंटे हो चुके होंगे। हालांकि बिल्कुल थोड़ी थोड़ी हो रही है, पर बिल्कुल कंटिन्यूअस रुकी नहीं है। दूध लेने गया तो थोड़ा थोड़ा भीग गया था मैं। और कल आंधी भी आ गई थी, थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ गई थी। आंधी आज तो नहीं आई रात में ना, तो इसलिए सारा गंदा हुआ पड़ा। देखो ये साफ़ कर लिया सुबह से ही, देखो कितना रेत ही रेत, इतना ही उधर दूसरी साइड था। और ये है अपने खीरे की बेल, दो इस साइड हैं और तीन इस साइड हैं, एक और भी नया हो रहा है। इन तीन में से मैं सोच रहा हूँ कि एक को हटा ही दूँ, क्योंकि ये ना ज़्यादा गहरे गहरे हो रहे हैं, तो इनमें से ना एक को हटाना ही पड़ेगा मेरे को लग रहा है। इसको हटा देता हूँ एक को, फिर थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। मुझे नया आ रहा है ना, इसको भी हटा देता हूँ, अब थोड़ा सा ना खुला खुला हो जाएगा। नहीं तो इनको स्पेस भी तो चाहिए ना ग्रो करने के लिए। ज़्यादा तो मैं इसलिए नहीं हटा रहा, नहीं तो एक इधर रख लूँ एक इधर रख लूँ। फिर मेरे को ये लग रहा है यार, कहीं ऐसा ना हो कि मैं दोनों को हटा दूँ और जो बचे हुए दो हैं वो वैसे सूख जाएं। और जो ये हार सिंगार लगाया था, ये वैसे तो ऊपर से तो ग्रो कर रहा है, और नीचे से देखो, नीचे से तो इसके पत्ते कैसे हो गए हैं, हालांकि ऊपर से तो सही ग्रो कर रहा है। बिल्कुल डेली पानी डाल रहा हूँ यार इनमें, डेली, एक टाइम भी मिस नहीं करता। कई बार तो दो बार भी डाल देता हूँ, सुबह भी शाम भी, नहीं तो एक टाइम सुबह तो पक्का ही है। और रात सारे कपड़े धो दिए इसने, देखो ये पड़े सारे कपड़े। शाम के 6:30-7 बजे धोने लगी थी, मैं तो मना कर रहा था कि मत धो, क्योंकि बारिश बताई रखी थी 2-3 दिन की, तो ये बोली ना धोऊंगी धोऊंगी। फिर सारे सुखा दिए थोड़ी देर, तो उस टाइम तो बारिश नहीं हो रही थी। फिर रात को उतार के अंदर रखे, क्योंकि सुबह के टाइम की बारिश बता रखी थी 4-5-6 बजे के आसपास, तो उस टाइम बारिश आ जाती तो हमें पता भी नहीं लगता अंदर, क्योंकि एसी चल रहा था। तो इसलिए शुक्र है उतार के रख दिए, नहीं तो अब तक तो इतने गिल्ले हो चुके होते वो। मशीन भी देखो यहीं पड़ी है अभी, उधर नहीं लगाई, खाली भी अभी करी है, नहीं तो पानी भरा था इसमें। ये कह रही थी सुबह एक आध कपड़ा और दो, मैं कह रहने दे, पहले वाले तो सूख भी नहीं रहे, और दो दे तू। बारिश के मौसम में और सर्दी के मौसम में ये भी बड़ी आफत है यार, कपड़े नहीं सूखते बिल्कुल भी। वाह अच्छी अच्छी चीज़ हो चुकी है यार। नाना नाना जी के भी ले जाओ, नाना जी को ब्रेड दे के आओ, नोनो आ जाओ। इतनी क्या जल्दी हो रही है, बनाने तो दो बनाने तो दो। सॉस ले, सॉस का है ना, उन्होंने कहाँ है सॉस, सॉस वो नाना जी आके देखो क्या ले रहा है, कह रहा है ब्रेड खा लो बन गई, खा ले खा ले, नहीं नहीं खाएगा। और सुबह से लाइट नहीं है यार, कम से कम भी 3-4 बजे के आसपास लाइट चली गई थी, तब से लाइट नहीं है। नानू आ जाओ, क्या है नानू ये जोश। ब्रेड खाएगा तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। सॉस चाहिए इसको, सॉस को चाटने लग जाएगी। ब्रेड खाएगा तो सॉस मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। सॉस ब्रेड के साथ खानी है, वैसे नहीं खानी। कितने डालू, मैं इसमें डालू खाएगा? इसको सॉस चाहिए बस, सॉस ब्रेड नहीं खानी इसको। खा ले बेटा, ओटी है ओटी, खा ले खा ले खा ले, खाओ थोड़ा खाओ। और कब नीचे उतरना है इसको बता। और खाएगा ब्रेड सॉस, ये सेटिंग करनी थी वहां बैठ के, ये मैंने हाँ पहले प्लेट यहाँ रखी थी इस पे,
तो ये यहाँ बैठ के मेरे पास और यहाँ से उठा उठा के सॉस ऐसे खाती चाटती, प्लेट इसकी मम्मी ने उठा ली, तो इसलिए अब ये उतर के भागी है, अब नीचे खड़ी हो के खा रही है। देखो ये चाहिए था इसको, यम्मी है। बैड खा लो, बैड खत्म हो गया। वो कैसे चाय की जो सड़क लगा रही है, हटाती भी नहीं मुँह। हाँ दूध ना पीवे, दाना भी छोड़ दिया करती। दिखाओ देखो उन्होंने क्या पिया है, सानी पिया है। ये घरेलू नुस्खों का चैनल बनाना चाह रही हो, बताओ इसको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। देख लो एक भी छुट्टी हो तो नहीं, तो लाइन लग रही थी ना, नींबू ने छोड़ते जहाँ जहाँ पे छुट्टी होता वो तो आप भी करके देखना यार ऐसा कुछ। एक भी छुट्टी नहीं है, मैंने नींबू नहीं छोड़ा है रात को। फिर और क्या क्या घरेलू नुस्खे बताएगी तो चैनल पर। नमक डाल दो, काली मिर्च का पाउडर। नहीं मतलब इसकी इसके नहीं, और की क्या क्या चीजों के बताएंगी उसके। रोज अलग अलग चैनल तो मैं बना के दे दूंगा यार, बताओ। एडिटिंग भी नहीं करनी आती, वीडियो भी कोई और ही बना दे, बस मैं बोलूं बोलूं। एंकर बनेंगे तो सिर्फ, वीडियो भी कोई और बनाओ, एडिट भी कोई और करो, चैनल भी कोई और बनाओ, वीडियो डालने भी कोई और। ओए कोई 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 लग गया ना, उनको लग गया नहीं लगा। ठीक है उठा लाओ, तो आ गई, आ गई, मिल गई। नोनू झुक के देख रही थी बैठ के नीचे, मिल गई। नोनू आई है फोन उठा के, ये कैमरा उठा के कह रही है पापा खींचो, लो चलो खींच रहा हूँ, खड़े हो जाओ। फोटो खिंचवाने के लिए खड़ी हो गई है ऐसे। आई 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 ए ए अभी कौन है, मैं क्या करने गया है वहाँ। देख 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 क्यों जाड़ पीछे है पापा। ना बंद नहीं, ऐसे 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 फोटो खींचो, नोनो खींच रहा, देख इसने बेरा पट गया, देख कितना बंद होगा। ये दबाओ दबाओ। सुबह से अब लाइट आई यार 12 बजे जाके, और कपड़े भी ना बाहर सुखा दिए हैं अब दोबारा से, अंदर पड़े थे सारे तो बारिश रुक गई थी, तो फिर थोड़ा सा ये है कि इनमें हवा निकल जाएगी, नहीं तो फिर थोड़े से जैसे सिल्ले से थे ये तो इनमें स्मेल हो जाती, नहीं तो अब हालांकि मौसम तो अभी भी खुला नहीं है अच्छे से, क्या पता कब बारिश टपक जाए, तो थोड़ी देर में ये है कि हवा लगा के इनको और फिर अंदर डाल दें। खुशबू आ रही थी और शाम का टाइम है यार 4:30 बजे हैं, सो के उठाऊंगा, अभी थोड़ी देर सोया था। नोनू आ रही थी, नोनू ने उठा दिया बार बार, पापा उठो खा लो, पता नहीं क्या खिला रही है, मैं खाना खिला रही होगी उठ के इस टाइम, मैं चाय पी के चाय के साथ एक दो रोटी खा लेता हूँ, मेरे को लगा खाने की कह रही होगी। अभी थोड़ी और अच्छे से आँख खुली ना तो मेरे को खुशबू आई, मेरे को पूरे की खुशबू आ रही है, ये कुछ अजीब सा बोल रही थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या बोल रही थी। पूछे गए थे कि कूड़े खा रहे हो पापा।